दोस्तों एस एस सी की एक सलेक्शन पोस्ट का नोटिफिकेशन आया हुआ है जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर आपके सामने लिखा हुआ है एडवर्टाइजमेंट नंबर फेस सिक्स टू थाउजेंड एटीन सेलेक्शन पोस्ट ये अभी कल ही आया है और एग्जाम इसके ऑनलाइन फॉर्म सबमिट होना स्टार्ट हो चुके हैं इसके जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं वो आपको बताऊँगा पहली बात तो ये समझ लीजिए ये है क्या सिलेक्शन पोस्ट एक एक ऐसी पोस्ट होती है जो कुछ स्पेशल क्वालिफिकेशन के लिए निकाली जाती है ज़्यादातर तो स्पेशल होती है लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो नॉर्मल इंटर पास और टेंथ पास या फिर ग्रेजुएट वाले भी भर सकते हैं ये उनके लिए बम्पर ऑफर होगा जो कुछ इस्पेशाइज वाली क्वालिफिकेशन रखते हैं जैसे किसी ने जोग्राफी से मास्टर्स किया हुआ है किसी ने केमिस्ट्री से किया हुआ है किसी ने फिजिक्स से किया हुआ है किसी ने लाइब्रेरी साइंस से किया हुआ है उन सबके लिए इसमें एक तरह से बहुत अच्छी वैकेंसी हैं नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कम होती है पर चांसेस बहुत ज़्यादा होती हैं यहाँ पे तो चलिए देखते हैं हम लोग नोटिफिकेशन आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं एस के ऑफिशियल साइट से डब्ल्यू या फिर आप जिस भी रीजन में रहते हैं अपने रीजनल साइट जरूर खोलिएगा तो देखिए जैसे कि सबसे पहले मैंने जो हाईलाइट कर रखा हुआ है यहाँ पर लिखा हुआ है कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट द वेबसाइट ऑफ रीजनल पब्लिक सब रीजनल ऑफिसिस फॉर द लास्ट इन्फॉर्मेशन लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ वेरियस कैटेगरीज ऑफ पोस्ट पर टू द रीजनल कंसर्न एंड अ वेरियस स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस जैसे कि आपको दिया हुआ है आप कौन से रीज़न में आते हैं लिखा हुआ है एक तरफ सेंट्रल रीज़न सी आर और दूसरी तरफ लिखा हुआ है उसका एड्रेस तो आप ये देख सकते हैं उसके जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है इसकी डेट क्या क्या है नॉर्मल आप लोग सारे फॉर्म भरे हुए हैं एस के ज़्यादातर फॉर्म अगर आप भर चुके हैं तो आपके के लिए कोई नई चीज़ नहीं है एक दो चीज़ें यहाँ पर नहीं है जैसे कि एग्जामिनेशन फ़ीस एग्जामिनेशन फ़ीस में नया क्या है अभी तक एग्जामिनेशन फ़ीस ऑनलाइन जमा होती थी ऑफलाइन जमा होती थी लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन ही है ये ध्यान दीजिएगा देखिए सेवन नंबर पर मैंने हाईलाइट कर रखा हुआ है यहाँ पर जो एग्ज़ामेशन फ़ीस हंड्रेड है वो भी एस में जमा होगी एस के चालान से कोई डेबिट कार्ड नहीं कोई क्रेडिट कार्ड नहीं कोई नेट बैंकिंग नहीं ना यू सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन लिखा भी फी कैन बी पेड थ्रू एस चालान ओनली ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ध्यान रखिएगा एस के आसपास ब्रांच है तो अच्छी बात नहीं है तो आपको जाना पड़ेगा फिर कुछ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने हाईलाइट कर रखे बाकी आप पूरा नोटिफिकेशन पढ़ करके देखिएगा डाउनलोड करके पढ़िएगा सबसे पहले आता है हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन एंड मेक पेमेंट देखिए फर्स्ट पॉइंट कैंडिडेट विल हैव टू अप्लाई फॉर ईच कैटेगरी ऑफ पोस्ट सेपरेटली एंड ऑल्सो पे फी फॉर ईच कैटेगरी आप ये समझ लीजिए अगर आप इसमें बहुत सारी कैटेगरीज की दिए हुए हैं और कैटेगरी डिफाइन कैसे करी गई ये समझ लीजिए कैटेगरी डिफाइन की गई जैसे कोई मैट्रिकलेसन की कैटेगरी है जैसे किसी में क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन मांगी गई है टेंथ पास मांगा गया तो टेंथ पास की अलग अलग वैकेंसीज हैं वो एक कैटेगरी सेकेंड कैटेगरी ट्वेल्थ पास थर्ड कैटेगरी ग्रेजुएट और फोर्थ कैटेगरी मास्टर्स इस टाइप से कैटेगरी इन्होंने कैटेगराइज की हुई है सेकेंड पॉइंट देखिए कैंडिडेट में नोटिस कैंडिडेट में नोट डेट ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड ऑफलाइन एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगा थर्ड पॉइंट कैंडिडेट शुड अप्लाई ओनली वंस फॉर वन पोस्ट इन केस ऑफ मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर एनी वन पोस्ट ऑल द एप्लीकेशन विल बी लाइबल टू रिजेक्टेड बहुत ध्यान से आपको तीसरा पॉइंट देखना था समझना है जैसे मान लीजिए आपने कोई एक पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई किया सेम पोस्ट के लिए अगर आप दोबारा अप्लाई करते तो आपके दोनों फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे तो आपको ये ध्यान रखना है जो पहला फॉर्म भर रहे हैं उसमें गलती नहीं होनी चाहिए इन केस अगर आप तीन से चार अलग अलग कैटेगरी के, के लिए एलिजिबल हैं तो आप अलग अलग फॉर्म को भर सकते हैं वो रिजेक्ट नहीं होंगे अलग अलग रीजन के भी और अलग अलग पोस्ट के भी सारे आपके एक्सेप्ट होंगे अगर आप एलिजिबल हैं तो फोर्थ फिफ्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है देखिए लिखा हुआ है आफ्टर सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट मस्ट टेक अ प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर सबमिटिंग द सेम अलॉन्ग विथ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स वेन कॉल्ड फॉर बाय द कमीशन आफ्टर द कंडक्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन अभी तक क्या होता था 2017 और 16 से पहले जितने भी फॉर्म होते थे पहले उनको ऑनलाइन सबमिट करना पड़ता था उसके बाद उनका प्रिंट आउट लेकर के फिर ऑफलाइन वाया पोस्ट भेजना पड़ता था अपने रीजनल ऑफिस में लेकिन इस बार इन्होंने ऐसा किया है कि अब ये हम लोग को नहीं भेजना है बाकी पहले मैंने पूरा नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है आप देखिएगा फिर भी इसको भेजना नहीं है ये आपसे मंगवाया जाएगा आपके एग्जामिनेशन के बाद देखिए नीचे लिखा भी है कॉल्ड फॉर बाय द कमीशन आफ्टर द कंडक्ट ऑफ सी बी ई मीन्स कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन नेक्स्ट पॉइंट है क्लोजिंग डेट जो की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है डेट ली गई है यहाँ पे फाइव नाइन टू थाउजेंड एटीन पाँच सितंबर से, से लेकर के तीस सितंबर तक ये फॉर्म भरा जाएगा वो भी शाम को पाँच बजे तक दूसरा जितने भी एज होंगे कैलकुलेट होंगे क्वालिफिकेशन कैलकुलेट होगी इसे और एक्सपीरियंस कैलकुलेट होगा वो वन एट टू थाउजेंड एट्टीन से कैलकुलेट होगा एक अगस्त दो हज़ार अट्ठारह से ही कैलकुलेट होगा बाकी जो पॉइंट है आप देख लीजिएगा इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा मुझे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैंने सब हाईलाइट किए हुए एज लिमिट एंड रिलेक्सेसन इन अपर एज लिमिट ये आपको पता होगा गया एस सी एस टी ओ बी सी पी डब्ल्यू डी किसके लिए क्या क्या मिलता है आप देख लीजिएगा और आगे चलते अभी देखिए जैसे कि अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉ हैं तो ये देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉज शुड हैव रेंडर्ड नॉट लेस देन थ्री ईयर कंटिन्यूस सर्विस ऑन रेगुलर बेसिस एंड नॉट ऑन एडॉक्ट बेसिस एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन एज मैंसन पैरा नाइन पैरा नाइन में आप पढ़ सकते हैं कि जो जिनकी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तीन साल या से ज़्यादा सर्विस कर चुके हैं उनके लिए भी यहाँ पर कुछ छूट दी गई है अब ये देखिए अब रीज़न फॉर रिजेक्शन कैंसिलेशन ऑफ एप्लीकेशन आप क्या गलती करेंगे कि आपका ये एग्ज़ाम जो आपका एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो, हो सकता है आपका कैंडिडेटचर भी रिजेक्ट हो सकता है अब देखिए सबसे पहले तो आपको पता है एप्लीकेशन गलत फॉर्म फिल करते हैं फोटो की जगह साइन साइन की जगह फोटो करते हैं नॉर्मल आपको पता है जो चीज़ इंपॉर्टेंट ज़्यादा है सिक्स पॉइंट देखिए लिखा हुआ है नॉन फॉरवर्डिंग ऑफ सेल्फ और टेस्टेड लिजबल कॉपीज ऑफ ऑल रिलिवेंट सर्टिफिकेट्स

कमीशन आफ्टर कंडक्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन इसमें लिखा हुआ है कि ये जितनी भी चीज़ें हैं आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होने के बाद ये भेजना है जब कमीशन आपसे मांगता है ये चीज़ बहुत ध्यान समझ कर करिएगा अब सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है बहुत आसान है सिलेक्शन प्रोसीजर सिर्फ एक एग्ज़ाम होगा उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन कोई प्री मेंस और रिटर्न नहीं है सिर्फ एक एग्जाम है देखिए रिक्रूटमेंट टू सेलेक्शन पोस्ट विल बी मेड थ्रू रिटर्न एग्जामेशन इन कंप्यूटर बेस्ड मोड कंसिस्टिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल च्वास क्वेश्चन अब ये देखिए यहाँ पे कॉमन कैंडिडेट विल बी अलाउड टू अपेयर ओनली वंस फॉर एग्जामिनेशन जैसे कि आपने बहुत अलग अलग पोस्टों के फॉर्म भर रखे आपने टेंथ का भी भर दिया ट्वेल्थ का भी भर दिया और ग्रेजुएशन का भी भर दिया और अगर आप एलिजिबल रहे तो आपने पी का भी भर दिया तो, आप तो, आपने भर दिया, तो आपको आपने चार टाइप के फॉर्म भरे हो सकता है आपने चार टाइप के फॉर्म अलग अलग रीजन में भरे हों तो आपको अलग अलग रीजन जाने की ज़रूरत नहीं है इन केस आपके कोई भी एग्ज़ाम सेम डे सेम टाइम में होता है तो आप किसी भी रीजन में जा कर के वह एग्ज़ाम दे सकते हैं आपका मार्क्स सेम रीजन में जो भी आपका आएगा वही उन वो कैलकुलेट करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपकी मेरिट बनेगी ठीक है मैं बताता हूँ जी वाला पॉइंट देखिए कॉमन कैंडिडेट्स विल बी अलाउड टू अपेयर ओनली वंस फॉर द एग्जामिनेशन फॉर वन लेवल ऑफ पोस्ट वन लेवल मतलब कि टेंथ लेवल का है तो आप टेंथ लेवल के लिए ही है ट्वेल्थ लेवल का तो ट्वेल्थ लेवल के लिए ही है अगर दो एग्जाम सेम डे पढ़ते हैं पोस्ट इन द फेस ऑफ रिक्रूटमेंट इफ अ कैंडिडेट हैज़ अप्लाइड फॉर टू लेवल ऑफ पोस्ट डेट इज फॉर मेट्रिकुलेशन एंड हायर सेकेंडरी ही शी विल हैव टू अपीयर वंस फॉर ईच लेवल ऑफ एग्जामिनेशन मार्क्स ऑपटेन बाय सच कैंडिडेट विल बी यूज बाय अदर रीजनल सब रीजनल ऑफिसज फॉर प्रिपेरिंग द मेरिट लिस्ट ऑफ द लेवल ऑफ पोस्ट इन दियर रिस्पेक्टिव रीजनल सब रीजनल ऑफिसर्स तो अब देखिए कट ऑफ एस एस सी का ये जो फॉर्म आता है सिलेक्शन पोस्ट के इन्होंने कट ऑफ पहले से ही सेट कर देते हैं फॉर क्वालिफाइंग कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम से मान लीजिए आपने कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम दिया 200 मार्क्स का होगा तो 200 सौ यू आर का थर्टी फाइव परसेंट मतलब सेवेंटी नंबर आपको मिनिमम सेवेंटी नंबर तो लाना ही है कट ऑफ क्वालिफाई करने के लिए इनकेस सबके सेवेंटी फाइव आ जाते हैं या सेवेंटी से ऊपर आ जा रहे हैं तो वो लोग अपनी अपना कट ऑफ सेट करेंगे कि हमको स्टार्टिंग के इतने कैंडिडेट लेने हैं तो इस हिसाब से हमें कट ऑफ सेट करने हैं इसका मतलब ये नहीं कि आपके सेवेंटी अगर तो आप सिलेक्शन हो जाएगा जरूरी नहीं क्या पता किसी के वन नाइन्टी भी आ रहे हैं वन नाइन्टी लेकर के जो लास्ट कैंडिडेट हुआ उसके वन फोर्टी भी खत्म हुआ करके तो ये समझ लीजिए इसका मिनिमम कट ऑफ वन फोर्टी सेट हुआ है ये क्वालिफाइंग कट ऑफ है ना कि सिलेक्शन कट ऑफ इसके बाद ओ बी सी का थर्टी परसेंट और अदर कैटेगरीज का ट्वेंटी फाइव परसेंट ये देखिए ए और बी जो मैंने हाईलाइट किया हुआ ये क्या है ये जो दिया हुआ है ये जो पहला वाला है इन द रेशियो वन एस टू ट्वेंटी फॉर अपू फाइव वैकेंसीज ये क्या लिखा हो ये वन एस टू ट्वेंटी के रेशियो में बुलाएंगे टायर वन के लिए या फिर सी बी ई के लिए और ये जो लिखा हुआ है वन इजू टेन के लिए बुलाएंगे यहाँ पे अगर फाइव वैकेंसी हैं या उससे कम है तो वन इस टू ट्वेंटी के रेशियो में बुलाएंगे अगर फाइव वैकेंसी उससे ज़्यादा है तो ये वन इस टू टेन के रेशियो में बुलाएंगे कैंडिडेट को टायर वन सी बी देने के लिए कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन देने के लिए अब आई आती है डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन की दो डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन में भी ये होता है जैसे पिछले वन इस टू फाइव था इस बार वन इस टू टेन कर दिया डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन के लिए वन इस टू टेन के रेशियो में बुलाए जाएंगे कैंडिडेट्स जो प्री क्वालीफ़ाई करते है या फिर जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामेशन क्वालीफाई करते हैं स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन देखते हैं देखिए नॉर्मल वही है जो एस एस सी के टायर वन में होता है सी जी एल और टेन प्लस टू लेवल लगभग सी जी एल जैसा ही होता है अब लेवल तो अब ये नहीं कह सकते कि मेट्रिकुलेशन लेवल तो आसान होगा ट्वेल्थ लेवल थोड़ा ठीक होगा और ग्रेजुएट लेवल तो ग्रेजुएट लेवल जैसा ही होगा आसान पेपर बिल्कुल आसान नहीं आता लेकिन ठीक है आप अगर आपने एस एस सी सी जी एल दिया हुआ है तो आप समझ सकते हैं देखिए जनरल इंटेलिजेंस नंबर ऑफ क्वेश्चन ट्वेंटी फाइव मैक्सम मार्क्स फिफ्टी जनरल अवेयरनेस ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन और फिफ्टी मैक्सिमम मार्क्स है क्वानिटी एक्टिट्यूड ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन और फिफ्टी मैक्सिमम मार्क्स है और बेसिक नॉलेज इंग्लिश की दी जो हमेशा पूछता है ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन फिफ्टी मैक्सिमम मार्क्स है तो साठ नंबर का पूरा वही है जैसा आपका टायर आता है देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ पॉइंट फाइव मार्क्स तो पॉइंट फाइव है मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग और ट्वेंटी फाइव परसेंट आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी अगर आप गलत करते हैं तो देखिए सेकेंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है द कमीशन सेल हैव द डिस्क्रिप्शन टू फिक्स डिफरेंट मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड इन ईच कंपोनेंट ऑफ एग्जामिनेशन टेकिंग इन टू कंसिडरेशन अमंग अदर्स कैटेगरी वाइज वैकेंसीज एंड कैटेगरी वाइज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जैसे ये कहते हैं कि इसका मतलब ये हुआ जब वो एग्ज़ाम कराएंगे कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम कराएंगे तो उससे पहले भी ये छटनी करते हैं और इनका छटनी करने का तरीका ये होता है जैसे कि वैकेंसी इनके पास पाँच है और ये वन एस ट्वेंटी के रेशियो में बुला रहे हैं तो सौ लोग को बुलाएंगे और फॉर्म पहुंच गए इनके पास एक हज़ार तो उनको ये लोग उनके परसेंटेज मार्क्स के अकॉर्डिंग जो उनके मिनिमम क्वालिफाइंग जैसे कि मिनिमम मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन थी ग्रेजुएशन में अगर किसी के सेवेंटी परसेंट आते हैं तो उसको उस परसेंटेज के अकॉर्डिंग ये लोग सेट करते हैं शुरुआत के टॉप परसेंटेज वालों को उठा लेंगे सौ लोग को बाकी सबको रिजेक्ट कर देंगे रिजेक्शन का आपको रीजन भी दे दिया जाएगा एग्जाम से पहले पहले तो इसका मतलब ये था तो अब देखिए सिलेबस दिया हुआ सिलेबस में नहीं बताऊंगा आप लोग देखिए खुद आपको पता है अगर आपने एग्ज़ाम दिया सिलेबस तो फिर आता है टाई केस टाई केस भी आपको पता होगा कैसे होता है अगर किसी के सेम मार्क्स आते हैं तो आप देख लीजिएगा इंपॉर्टेंट नोट फिर देखते हैं इंपॉर्टेंट नोट देख लीजिए कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन फॉर सिलेक्शन फॉर सिलेक्शन पोस्ट विल बी हेल्ड ओनली इन रीजन सब रीजनल हेडक्वार्टर, सिटी सेंटर एंड कमीशन रिजर्व द राइट टू कॉल कैंडिडेट टू एनी ऑफ द आइडेंटिफाइड सेंटर फॉर द एग्जामिनेशन अब ये समझ लीजिए अगर आपने एन आर नॉर्दर्न रीजन से भरा हुआ है तो आपको एन आर के पास ही जाना पड़ेगा एग्ज़ाम एक देने तो आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि मैं साउथ का तो एन आर में क्यों जाऊँ आगे चल के देखते हैं ये कुछ पॉइंट दिए हो गया हम लोग कैसे क्या भरना है अब देखिए यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये दिया हुआ है जो हम लोग पहले ही भी देख चुके हैं फिर से देख लेते हैं आफ्टर सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट मस्ट टेक अ प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फॉर सबमिटिंग द सेम अलॉन्ग विद रिक्वेस्टाइड डॉक्यूमेंट वैन कॉल्ड कॉल्ड फॉर बाय द कमीशन आफ्टर द कंडक्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन ये हर जगह इंपॉर्टेंट यह होगा कि आपको इसको संभाल के रखना है ये नहीं कि आपसे बाद में खो जाए ये बाकी चीज़ें जो अपेंडिक्स दिए हुए हैं यहाँ पे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है और एस सी के सर्टिफिकेट और बी सर्टिफिकेट किस फॉर्मेट में होगा ये आप देख लीजिएगा अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है जो वैकेंसी आपको कैसे देखना आपको इसी फॉर्म में सबकी वैकेंसी दी हुई जैसे कि मैं आप देखता हूँ यहाँ पर नंबर वन दिया हुआ है सीरियल नंबर फिर देखिए लिखा हुआ है रीज़न देखिए रीजन ये सीआर है सेंट्रल रीज़न का है ये पोस्ट कोड है ये पोस्ट नेम है ये ऑर्गेनाइजेशन है आपके कहाँ पे मतलब किस ऑर्मेशन में आपको लिया जाएगा अभी देखिए लिखा हुआ मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन तो आप लोग को आंख बंद करके फॉर्म नहीं भरना है कि हम ग्रेजुएट है तो हम भर देंगे अब देखिए इसको समझने के लिए सिर्फ ग्रेजुएट लोग यहाँ पे नहीं भर सकते यहाँ पे कौन से ग्रेजुएट भर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रीज़न है सी आर पोस्ट कोड है दस दो सौ अट्ठारह अब देखिए ऊपर लिखा हुआ है चेक फॉर पोस्ट डिटेल अब यहाँ पर आते हैं इसको ओपन किया यहां पे आते हैं सीआर में सर्च फॉर रीजन वाइज पोस्ट सर्च किया जब ये सर्च कर लिया तो यहां पे देखिए लिखा हुआ है दस दो सौ अठारह में देखा था जूनियर फिजियो फिजियोथेरेपिस्ट अब देखिए आपको आना यहाँ पर व्यू डिटेल्स में जब व्यू डिटेल्स में आए तब देखिए नेम ऑफ द पोस्ट ये लिखा हुआ है क्लासिफिकेशन ग्रुप बी है डिपार्टमेंट आपका ये है यहाँ पर आस पास के यहाँ पे ज्वाइनिंग होगी अब देखिए जिसकी क्वालिफिकेशन है वो है डिग्री इन फिजियोथेरेपी फ्रॉम अ रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट एंड टू ईयर एक्सपीरियंस इन फिजियोथेरेपी इन हॉस्पिटल और मेडिकल इंस्टीट्यूट तो आप ये समझ में आ रहा है इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये है ना कि ग्रेजुएशन तो आपको ये देखना अगर आप इसको क्वालिफाई करते हैं मिनिमम आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन इतनी है तो आप यहाँ से डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं आइए वर्क परसपेक्ट से हम आते हैं फॉर्म में ऐसे ही जैसे कि आप दूसरा कोई देखते हैं जो कि आप नॉर्मल ले सकते हैं जैसे कि एक ये आता है ईस्टर्न रीजन का है इन्वेस्टिगेटर ग्रेड टू यहाँ पे आए देखिए इसमें लिखा हुआ ग्रेजुएशन मिनिमम क्वालिफिकेशन फिर यहाँ पे आते हैं पहले चेक कर लीजिए इसका क्या है ई आर दस तीन सौ अट्ठारह क्लिक फॉर पोस्ट डिटेल फिर से ओपन किया यहाँ पे गए ईस्टर्न रीजन था सर्च किया दस तीन सौ अट्ठारह था ये रहा इसको मैंने चेक किया व्यू डिटेल्स अब देखिए यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है इसेंशियल क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री विथ स्टैटिक्स और मैथेमेटिक्स और इकोनॉमिक्स आप की बैचलर डिग्री स्टैटिक्स से हो या मैथमेटिक्स से हो या इकोनॉमिक्स से हो या फिर कॉमर्स रहा हो किसी भी सब्जेक्ट में ये तो फर्स्ट पार्ट था सेकंड पार्ट है आपके पास कंप्यूटर ऑपरेशन या कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और बिल्कुल एलिजिबल हैं अगर आप ओ एच ई एच एच ई कैटेगरी में तो ये इसके लिए भी यस 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 है तो ये देखिए यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है सिर्फ कुछ डिग्री मांगी गई है यहाँ पे अगर आप इसको आप एलिजिबल हैं इसके लिए तो आप अप्लाई कर दीजिए नहीं तो आप ऐसा सर्च कर लीजिए सारे फॉर्म कौन कौन से आपके मतलब के हैं तो उसमें काफ़ी अच्छे खासे सीरीज़ में देखिए दिया वो हम यहाँ चलते चले जा रहे हैं वन थर्टी वन थर्टी टाइप के यहाँ पर टोटल वैकेंसीज़ हैं तो सब में किसी में फिफ्टी वन जनरल की थर्टी सेवन है किसी में 19 है आप देख लीजिए आपके हिसाब के कौन सी है आपके पास किस किस डिग्रियाँ हैं कौन कौन सी डिग्री है हिसाब से आप देख सकते हैं तो ये था आप इसको भरिए अगर इसके बाद भी आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज में कीजिए मैं इसका जवाब जरूर दूंगा थैंक यू पाने की हो आस आस कोई अरमा हो जो खास खास आशा है